सबसे पहले ले लेना है हमें एक खाली बॉल बॉल के अंदर हमें ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है फिर एंड में आप इसे किसी भी बॉटल में किसी भी चीज़ में स्टोर करके रख सकते हो अगर आपके पास टेंट की पुरानी कोई खाली बॉटल रखी हुई तो आप उसके अंदर भी इसे डालकर रख सकते हो बहुत इजीली पाँच से सात मिनट के अंदर ये टेंट बन जाती है और बहुत खूबसूरत लगती है बिल्कुल बाजार जैसे टेंट लगती है तो चलो जी हम बनाते हैं इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम ले लेंगे कोकोनट ऑयल इसके अंदर आप याद रखिएगा या तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर आलमंड ऑयल ले सकते हैं इसके अलावा कोई और ऑयल आप यूज़ नहीं कर सकते जी हाँ ये दो ऑयल ही ठीक रहते हैं तो मेरा तो बेस्ट है कोकोनट ऑयल इसलिए मुझे हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है तो मैंने ले लिए हैं टू टू थ्री ड्रॉप इसके अंदर कोकोनट ऑयल के आप देख सकते हैं आप इस तरह से इतनी क्वांटिटी में कोकोनट ऑयल ले सकते हैं फिर इसके बाद ले लेना है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल आपके ट्रेंड को थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देगा इस तरह से बस हाफ स्पून के करीब आपने ले लेनी है एलोवेरा जेल थर्ड इसके अंदर ले लेना है फेस सीरम आपके पास किसी भी ब्रांड का फेस सीरम रखा हुआ है आप वो ले सकते हैं मेरे पास डॉक्टर रशील का फेस सीरम था तो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है हर चीज़ की क्वांटिटी हमें बिल्कुल कम रखनी है मैं इसके भी टू टू थ्री ड्रॉप्स ले लूँगी या फिर थ्री टू फोर ड्रॉप्स ले लूंगी बस ये इतना ही इनफ होगा अगर आपके पास फेस सिरम नहीं रखा हुआ है तो आप इसके अंदर ईवियॉन के कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं जस्ट एक कैप्सूल ही काफ़ी होगा ये आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप्स ले रही हूँ और ये इतने ही काफ़ी है फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं सब कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद सब चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थिक है तो इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे रोज वाटर अच्छा इसके अंदर ग्लेसरिन भी ऐड करते हैं लेकिन मैंने जब ग्लेसरीन ऐड करके ये रेमेडी बनाई थी तो ग्लेसरीन से मेरी जो टेंट है वो बिल्कुल बह रही थी अब पता नहीं मेरा तरीका सही नहीं था या क्या था लेकिन मुझे ग्लेसरिन इसके अंदर समझ नहीं आई है तो मुझे जो चीज़ें समझ आई वो मैंने ऐड कर ली फिर इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर जी हाँ नॉर्मल वाटर ऐड मत कीजिएगा रोज वाटर ऐड कर लेना है आपने रोज वाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी जी हाँ टेंट की तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हमें बना लेनी है ये देखो किस तरह से थोड़ा सा जेल फॉर्म और थोड़ा सा ये वाटरी फॉर्म में हो चुका है नेक्स्ट मैं इसके अंदर ले लूंगी फूड कलर जी हाँ लिक्विड फूड कलर आपने ले लेना है रेड कलर में अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं लेकिन उसे अलग से पानी में आपने मिक्स करना है अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर डालकर मिक्स करेंगे तो इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर अच्छा नहीं लगेगा वो एक तरफ बहुत ज़्यादा रेड और एक तरफ बिल्कुल लाइट रेड इस तरह का होगा तो कोशिश कीजिए इस तरह से लिक्विड में आपको मिल जाए अगर लिक्विड में नहीं मिलता तो आप इसे अलग से बना लीजिए कोई मसला नहीं है मेरे पास लिक्विड में था तो मैं इसे ऐड कर लूंगी देखो बीट रूट वाला भी मैंने रेमेडी ट्राई की है लेकिन ये होता है कि बीट रूट से थोड़े दिनों में आपके टेंट में स्मेल आने लग जाती है तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप ये फूड कलर वाला ही बना लीजिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी फूड कलर पहले मैं थोड़ा सा डालकर चेक करूंगी ये बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर लूंगी बहुत जबरदस्त जब ये मैं मिक्स कर रही हूँ तो मुझे, इतनी इसकी लग रही है कि मुझे मजा ही आ रहा है मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगी। इस तरह से इसे मिक्स करते रहना है ताकि इसके वैसे तो कोई भी नहीं बनेगा हमने हर चीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप भी इसे इस तरह से हिलाते जाए ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर ले लीजिए पुराने टेंट की कोई भी खाली बॉटल इसके अंदर इस तरह से पंप होगा वो आप पंप से लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास ब्रश बॉटल है तो आप उससे भी लगा सकते हैं मैं इस तरह से आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ ये कितना ज़बरदस्त कलर बनकर रेडी हो गया है मैं इसे आपको देखें इस तरह से मिक्स करते जाना है या आप लिप्स पर अप्लाई करें या चेक पर अप्लाई करें बहुत अच्छे से ये आ, मिक्स हो जाता है ये देखें इस तरह से मेल्ट हो जाएगा और ड्राई होने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगा ये बस इसके थ्री ड्रॉप्स ही काफी होंगे और देखो ये कितना खूबसूरत बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल ये नेचुरल कलर जैसा लुक दे रहा है कोई नहीं कह सकता कि आपने टेंट अप्लाई की है ऐसा लगता है जैसे ये आपके अपने ही चिक्स हैं बहुत जबरदस्त लगता है जब ये अप्लाई होता है आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर भी कितना जबरदस्त कलर आया है इसका अच्छा ये हाफ वीडियो बनाने के बाद फिर मैं अपने नाश्ते के लिए चली गई मैंने अपना नाश्ता रेडी किया और फिर मैंने नाश्ता किया इसके नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद भी काफी बार मेरे हैंड वॉश हुए लेकिन इसके बाद भी टिंट टेंट वैसे के वैसे है जैसे मैंने लगाकर आप लोगों को दिखाई थी इतना खूबसूरत कलर है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊ मुझे इतना जबरदस्त लगा देखो बीट रूट करो स्ट्रॉबेरी uh, ऐड करो या फिर चेरी ऐड करो मैं ये तीन चीज़ों तीनों चीज़ों को ऐड करके बना चुकी हूँ मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया लेकिन ये है कि कुछ ही दिनों में इन चीज़ों की स्मेल आने लग जाती है ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है फ़ूड कलर तो फूड कलर वाली रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है मैं हमेशा से कहती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करूंगी जो मुझे बिल्कुल सेट लगती है बिल्कुल परफेक्ट लगती है उम्मीद करती है वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत सारा ख्याल रखना बाय बाय लाफ टेक केयर